नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल शिवागो.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शिपर्णी लकड़ी की बनी हुई श्रीयंत्र या मेरु यंत्र के बारे में, किसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्यों शिपर्णी की लकड़ी की बनी हुई जो मेरु यंत्र है या श्रीयंत्र है वो हम स्थापित करें। तो जैसे देखने में खूबसूरत भी काफ़ी लगता है, कमल के फूल के ऊपर बना हुआ श्रीयंत्र, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये जो शिपर्णी जो लकड़ी है ये तो आयुर्वेद में भी काम आता है, जो कि हमारा मुद्दा नहीं है फिलहाल। फिर मैं आपको रफ में बता दूं कि इसे गंभारी भी कहते हैं। ये तीनों दोष वात पित्त कफ को नियंत्रण में रखने में मदद करती है ये जो लकड़ी है, पर उसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खाने से या अलग तरह से इस्तेमाल से लेना देना है। हम यहाँ जो बात करेंगे वो स्पेशल तौर पे करेंगे। तो देखिए, इसे हिंदी में खंबारी, गंभारी, खंबार भी कहते हैं, इंग्लिश में वाइट टीक, कुंभ टीक, और संस्कृत में तो बहुत ही सुंदर लगेगा आपको सुनने में, श्रीपर्णी, भद्रपर्णी, मधुपर्णिका, सर्वतो भद्रा, तो इस तरह के जो नाम हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय के क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, नीलगिरी तथा पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। श्रीपर्णी लकड़ी से बना श्रीयंत्र स्थापित करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे भी श्रीपर्णी के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। इसे स्थापित करने से धन की कमी नहीं होती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी में तरक्की मिलती है, धन का अभाव नहीं होता है। मुख्य रूप से शिपर्णी लकड़ी से बना श्रीयंत्र कैरियर के विकास, नाम और प्रसिद्धि में मदद करता है। शास्त्रों के अनुसार घर में शिपर्णी से बना श्रीयंत्र स्थापित करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शिपर्णी लकड़ी जो है या श्रीयंत्र है वो मांडीय दुनिया से सकारात्मक किरणों को पकड़ने के लिए एक, समझ लीजिए, एक डिवाइस की तरह काम करता है। घर में शिपर्णी से बना हुआ श्रीयंत्र स्थापित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, पति पत्नी के रिश्तों में मिठास रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। ये किसी भी फॉर्म में रह सकता है, प्लेट पे भी आप बना सकते हैं, मेरु यंत्र के फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। तो वास्तु सफलता, प्रगति, समृद्धि और गुड लक के लिए आप घर में या अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर या कार्यालय के मंदिर में रख सकते हैं। अगर घर में किसी का मन अशांत रहता है, एकाग्रता की कमी है, तो श्रीपर्णी से बनी जो श्रीयंत्र है, श्रीपर्णी लकड़ी की बनी जो श्रीयंत्र है उसे स्थापित करने से एकाग्रता बढ़ती है, काम में मन लगने लगता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार श्रीपर्णी को बहुत ही शुभ लकड़ी माना गया है। बहुत से लोग घर और कार्यालय में इसे रखते हैं, मंदिर की भी स्थापना करते हैं, इसके मंदिर भी बनाए जाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट वुड रहता है। तो मोटा मोटी आप यूँ कह लीजिए कि श्रीपर्णी लकड़ी से बना श्रीयंत्र स्मृति देता है। ये आपको अमीर भी बनाएगा, स्वस्थ भी रखेगा, और मुख्यतः गिफ्ट देने के लिए तो सर्वोत्तम चीज है ये, उत्कृष्ट उपहार है ये। आप किसी को भी उपहार स्वरूप ये देंगे तो सामने वाला तरक्की करेगा, तो सीधी बात आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई आपकी दी हुई चीज से लोग तरक्की कर रहे हैं, उनके घर में अच्छा हो रहा है, तो मन को शांति भी मिलेगी। और ये आपको श्री यंत्र जो है शिवागो.com या omja.com पे मिलेगा, बिल्कुल जेन्यून और ऑथेंटिक। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।